गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम रिसीवेबल मैनेजमेंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। पीटीएक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग अ चेंज इन इट्स प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी। करेंटली इट इज एवेल्युएटिंग टू पॉलिसीज। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन द इन्वेस्टमेंट इन न्यू अकाउंट रिसीवेबल। द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट आर 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड पॉलिसीज इज एज अंडर। ठीक है, ये हमारी एक डिटेल दी है कि भाई प्रेजेंट पॉलिसी हमारी ये है कि हम डेटा टर्नओवर 4 मंथ का है, 4 टाइम है, और जो आगे प्रपोज्ड कर रहे हैं उसमें डेटा टर्नओवर 3 टाइम्स एंड 2.4 टाइम होगा। इससे सेल हमारी बढ़ेगी लेकिन बैड डेट्स भी बढ़ेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन न्यू अकाउंट रिसीवेबल इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब हमें कॉस्ट पे फोकस करना है। चलो, तो यहां पे लिखेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है जी, यहां पे हम लिखेंगे अपनी प्रेजेंट पॉलिसीज, प्रपोज्ड वन, प्रपोज्ड टू। ठीक है जी, सेल्स रेवेन्यू 30 लाख की है, 42 लाख, 45 लाख। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 70%, तो ये आएगी 21 लाख, 29 लाख, 40,000, 31 लाख, 50,000। कंट्रीब्यूशन 9 लाख, 12 लाख, 60,000, 13 लाख, 50,000। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें बैड डेट्स कितना है और पैसा कितना ब्लॉक हो रहा है। ठीक है जी, तो बैड डेट्स यहाँ 3% है, 90,000 आ जाएगा। ये 4% नहीं, 4 नहीं है, 5 है। अच्छा, 5 और 6% है, तो ये 2,10,000 आ जाएगा। और यहाँ 6% है, 270। ठीक है जी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगी कॉस्ट ऑफ डेटर्स इनटू 20%, जो भी डेटर्स की कॉस्ट है। तो 21 लाख रुपए हमारे टोटल डेटर्स हैं और डेटा टर्नओवर है हमारा 4। तो एक वर्किंग नोट निकाल लेते हैं, डेटा टर्नओवर रेशियो कितना कितना है, 4, 3, 2.5। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, 12/4, 3 मंथ, 12/3, 4 मंथ, 12/2.4, 5 मंथ। ठीक है, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड हुआ। तो अमाउंट ब्लॉक्ड जो डेटर में होगी
वो कितनी होगी, 21 लाख हमारा है, ये आएगा हमारा 5,25,000, 42 लाख है, 14 लाख एंड 45 लाख है, फाइव बाई ट्वेल्व करेंगे ये आएगा 18,75,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी 20% से, ये आएगी हमारी 1,05,000 एक सेकेंड 42,000, 42 लाख नहीं लेंगे, गलत ले रहे हैं, 29,40,000 लेंगे और यहाँ 31,50,000 लेंगे, कॉस्ट लेंगे ना, सेल नहीं लेंगे। तो ये आएगी हमारी 9,80,000, तो ये आएगी 1,96,000, 31,50,000 तो ये आएगी 13,12,500, तो ये आएगी 2,62,500। सो 1,05,000, 1,96,000, 2,62,500 ये हमारी आएगी अदर कॉस्ट। जो प्रॉफिट आएगा इन दोनों को माइनस करके इसमें आ रहा है 7,05,000, इसमें आ रहा है 854, इसमें आ रहा है 817, तो इसका मतलब है बेस्ट हमारा ये है। सो वी शुड ऑप्ट टू फॉर ऑप्शन वन एच इट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 8,54,000, हमें इसको करना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गया, थैंक यू।